देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नवीन सत्रारंभ के शुभ अवसर पर इस 31वें ज्ञान दीक्षा समारोह के मुख्य अतिथि श्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामी जी महाराज, समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय मंच पर पधार रहे हैं। उनका हम अपने हृदय के भावों से, अपनी करतल ध्वनियों से, नए जोश, नए उल्लास और पावन प्रेरणा से सिक्त इस अद्वितीय आयोजन में उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिसका शुभारंभ हम सब दीप प्रज्वलन एवं गुरु पूजन के माध्यम से करने जा रहे हैं। अज्ञान के घोर तमस पर चोट करता यह दीप दैदीप्यमान हो, हम सबको तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रेरणा दें। आइए इस भाव से दीप प्रज्वलन। ॐ अग्निर्नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूविष्ठान्ते नमो लिं विधेम। साथ ही गुरु पूजन। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। मातरं भगवती देवीं श्रीरामं जगद्गुरु पादपद्मे तयोः स्थित्वा नमामि। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस 31वें ज्ञान दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथि, हमारे परम श्रद्धे व समस्त अग्रजों का हृदय से अभिनंदन करते हुए हम सब उस भाव का अर्पण यहाँ पर करते हैं कि आज जब श्रावण मास का यह शुभ दिवस, जब स्वयं देव और ऋषि वृष्टि कर रहे हैं प्रातःकाल से ही, ये वह ऐतिहासिक पल है जब विश्व के इतिहास में देव संस्कृति की पुनर्स्थापना को कृत संकल्पित एक कालजयी स्थापना देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी गौरव यात्रा के 31वें पड़ाव पर आ पहुँचा है। 23 जुलाई वर्ष 2002 को आरंभ हुई थी प्रथम ज्ञान दीक्षा और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सांस्कृतिक नवोन्मेष के एक क्रांतिदर्शी ऋषि संकल्प देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ पर गंगा की गोद, हिमालय की छाया और ऋषि मुनियों की तपस्थली के सुरम्य वातावरण में ऋषि चेतना से सिक्त इस प्राचीनतम गुरुकुल परम्परा के नए स्वरूप में आप सबका एक बार पुनः से हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे इंटरनेशनल गेस्ट का हम नी हाओ करते हैं। नी हाओ। इस पल में ये हम सभी के जीवन के भाग्य का सूर्योदय है, ये एक सौभाग्य का अवसर है, ये अवसर है खुद को जानने का, नए सिरे से पहचानने का। तो आइए इस क्रम का आरंभ करते हैं स्वागत के साथ। हम सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय के करकमलों के माध्यम से हम स्वागत करना चाहेंगे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमद् सद्गुरु ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामी जी महाराज का। देव संस्कृत विश्वविद्यालय अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से परम श्रद्धेय के करकमलों से गायत्री मंत्र की चादर, जो गायत्री परिवार के सदस्य का श्रेष्ठ भाव प्रदर्शित करती है, जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय के करकमलों से स्वागत हो रहा है हमारे कुलपति महोदय का और साथ ही साथ इस शुभाशीष के माध्यम से स्वागत प्रतीक रूप में हो रहा है हम सभी का। हम स्वागत करते हैं अपने परम श्रद्धेय का पूरे हृदय से, पूरे भावों के साथ स्वागत अभिनंदन हमारे समस्त अग्रजों का मंच के माध्यम से हो रहा है तथा साथ ही स्वागत है समस्त विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, गायत्री परिजनों का और देव संस्कृति दिग्विजय से जुटे उन असंख्यों परिजनों का। आइए इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में जहां पर हम सब स्मरण करेंगे उन संकल्पों का जो कि शब्द मात्र में लिखे जरूर दिखते हैं और जिनका गान हम जब भी करते हैं तो हमारे हृदय में ये स्मरण सतत ही हो जाता है
जो कहा जाता है कि जिस रास्ते पर हम चलने वाले हैं, जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं और जिस मंजिल तक हमें जाना है, उसको लिखा गया है हमारे विश्वविद्यालय के कुलगीत में। इस कुलगीत का ज्ञान हम सबको प्रेरणा देता है। तो ज्ञान दीक्षा के अवसर पर आइए, पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ कुलगीत का गान करने के लिए कृपया आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भवितव्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, पूरे भावों के साथ कुलगीत का गान साथ साथ करें। कुलगीत प्रारंभ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। पॉजिटिविटी, सृजन, आशावाद जहाँ के कण कण में, क्षण क्षण में, रोम रोम में सदैव रहता है, ऐसे दिव्य वातावरण में आप सबका एक बार पुनः से स्वागत है। और जो शब्द इन पंक्तियों में कहे गए वो जीवंत होते हैं आपके रूप में, हम सब में आने वाले बदलावों के रूप में। और इतिहास साक्षी रहा है और भवितव्य भी साक्षी रहेगा कि बदलाव यहाँ पर आता है। और राष्ट्र के लिए ऐसे भाव को लेकर के बढ़ रहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पधारे आप सभी स्वजनों के स्वागत हेतु युग ऋषि के एक ऐसे कार्यकर्ता को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि गायत्री परिवार की मूल धुरी रही कार्यकर्ता, और यही कार्यकर्ता हैं जिनके तप, प्राण, अंशदान, समयदान से ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। एक ऐसे कार्यकर्ता जो अपने शैक्षणिक अनुभवों से निर्माण कर रहे थे आर्किटेक्चर का, कुछ भवनों का, लेकिन उसी बीच युग ऋषि ने निर्माण किया उनके व्यक्तित्व का, और अपनी उस प्रेरणा को लेकर के वो सदैव आगे बढ़ते गए। आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करने के लिए, स्वागत भाषण हेतु मैं आमंत्रित करता हूं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शरद पारदी सर को, जिनके माध्यम से हम सब स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का, हमारे नवप्रवेशी विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का, गायत्री परिजनों का, शिक्षकों का, एवं सभी पधारे हमारे अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कुलपति महोदय। सभी लोगों से सबसे पहला नम्र निवेदन यही है कि मेरे साथ गायत्री मंत्र एक साथ
कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस विश्वविद्यालय के कणकण में व्याप्त गुरुसत्ता को प्रणाम नमन वंदन करते हुए इस 31वें ज्ञान दीक्षा समारोह में पधारे हुए हमारे प्रमुख अतिथि पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज श्री क्षेत्र तपोभूमि कुड़ी गोवा, आपने सद्गुरु फाउंडेशन भी वहाँ पे रखा बनाया हुआ है और केवल धार्मिक ही नहीं सामाजिक कार्यों के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा गति है, रुचि है और बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। इसी क्रम में हमारे श्रद्धेय हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंडे जी जो कि इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख है, इन दोनों महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं इस ज्ञान दीक्षा के लिए। साथ ही मेरे स्नेही मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से सहायक बहुत अच्छी तरह से मेरे लिए अभिभावक अच्छी तरह से मेरे लिए एक दिशा दर्शक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जो हमारे प्रतिकुलपति है और आदरणीय श्री संदीप कुमार जी जो कि हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार है। इसी के साथ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग प्रमुख आचार्य आचार्याएं शिक्षक वृंद अभिभावकगण शांति कुंज और ब्रह्मवर्च से पधारे सभी परिजन गायत्री विद्यापीठ से पधारे हुए शिक्षकगण हमारे भावी विद्यार्थी विद्यार्थीगण यहाँ पर सभी विभाग प्रमुखों के आचार्य आचार्य आपका मैं इस ध्यान दीक्षा के लिए स्वागत करता हूँ। विशेषकर उन नव प्रवेशी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है। प्रिय छात्र छात्राओं, मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कालखंड विद्यार्थी जीवन के स्वर्णिम अवसर पर आप अपनी अहम एवं निर्णायक भूमिका में प्रवेश करने जा रहे हैं। देव संस्कृति के अंतर्गत हमारी संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान दीक्षा एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसका उद्देश्य एक सुसंस्कारित उदात्त और आदर्श जीवन निर्माण की नींव डालना है। इसके संक्षिप्त कर्मकांड भारतीय संस्कृति के उपनिषदों में वर्णित भाव विचार और क्रिया आदि से प्रस्तुत किए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सपने के इस विश्वविद्यालय जहाँ सच्चे मनुष्य बड़े मनुष्य महान मनुष्य एवं सर्वांगपूर्ण मनुष्य घड़ने का व्रत लिया है आपसे एक ही अपेक्षा रखता है कि आप अनुशासित शालीन आदर्श विद्यार्थी बने। इस दिशा में आज का आपका प्रथम पदार्पण होगा। परम पूज्य ने कहा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। मैन क्रिएट्स हिज ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इज सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट इट्स डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और साइकोलॉजी बाय वन और मोर और बाय ऑल एंड बी फ्री। मित्रों आपके अंदर जो ज्ञान है जो आपके जन्मजात आपके साथ है उसका उजागर करना इस यूनिवर्सिटी का प्रथम काम होगा। ये ज्ञान दीक्षा का उद्देश्य यही है। गुरुसत्ता के संरक्षण में ईश्वरीय उपस्थिति में ऋषि तंत्र के निर्देशों में विद्यार्थी जीवन की मर्यादाओं में श्रद्धेय कुलाधिपति जी के द्वारा संकल्प पूर्वक यह दीक्षा दी जाएगी। संकल्प से जुड़ जाने से वह बल आता है जिससे सभी बाधाओं का निराकरण होकर उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ज्ञान दीक्षा ऐसा ही एक संकल्प समारोह है जिसके अंदर विद्यार्थी जीवन की नींव डाली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक के लिए अपनाने के लिए चार विभूतियां बताई है समझदारी ईमानदारी
जिम्मेदारी और बहादुरी, इन विभूतियों के सहारे इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान से आप सब छात्र और छात्राएं अपना व्यक्तित्व अपने गुण कर्म स्वभाव से निर्माण करेंगे और चिंतन चरित्र व्यवहार से अभिव्यक्त करेंगे। मैं आपके व्यवहार से आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को सादर अभिमान होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। विवेकानंद जी कहते हैं, इन्हीं के वाक्य से मैं अपना समापन करूँगा, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन फ्रॉम ह्यूमन सोल, मैन मैनिफेस्ट नॉलेज डिस्कस इट विद इन एंड विच इज प्री एग्जिस्टिंग थ्रू आउट हिज लाइफ थ्रू डेस्टिनी। आप में, आपकी आत्मन में स्थित उस ज्ञान को उजागर करने का प्रयास इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ मैं आप लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में मेरी एक गलती हुई है, हमारी माता जी स्वामी जी की श्रीमती जी यहाँ पधारी है, मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सर, स्वागत हुआ हम सभी का। इसके पश्चात विधिवत रूप से आपको आरंभ से ही ये बता दिया जाएगा कि ये ज्ञान दीक्षा जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और इस हेतु युग ऋषि का वो विराट व्यक्तित्व, जिसका पल भर भी जिसने पा लिया उसका जीवन बदल गया, और उस विराट व्यक्तित्व के साथ पल पल जिन्होंने बिताया, जिनकी बाल्यावस्था उस रूप में बीती, जिनकी शैशवावस्था में उन्हें परम श्रद्धे डॉक्टर साहब श्रद्धा जी का सतत मार्गदर्शन मिला, और युवावस्था में जिन्होंने स्वयं अपने आप को और विकसित किया और MBBS MRCP लंदन से करके वैश्विक स्तर पर विविध रूपों में, चाहे UNO हो चाहे UNESCO हो, उन जगहों पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर से मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वे कृपया ज्ञान दीक्षा की पृष्ठभूमि बताने हेतु हम सभी के मध्य पधारें। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करूंगा। माँ गायत्री का मंत्र पवित्रता का, प्रखरता का, सद्भाव का, सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देने का मंत्र है। शब्दों के प्याले में भावनाओं का रस डाला जाता है तो मंत्र बन पाता है। बिना भावनाओं के आप शब्दों को दोहराएं तो शब्द बन करके रह जाते हैं, व्यक्तित्व के अंदर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं कर पाते। तो एक बार सभी से विनम्र प्रार्थना है कि जो जहाँ है वहाँ स्थिर हो जाए, शरीर से, मन से, भावनाओं से स्थिर होकर के परमात्मा को पुकारें इस भाव के साथ कि उनकी उपस्थिति हमारे अस्तित्व को एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा से सराबोर कर दे, ओतप्रोत कर दे। इस भावना के साथ माँ गायत्री का, देव शक्तियों का आवाहन, हृदय से गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म एवं दिव्य संरक्षण में आज के इस 31वें ज्ञान दीक्षा पर्व के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के श्रद्धे स्वामी ब्रह्मेशानंद जी, उनके साथ आई स्वामिनी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबकी श्रद्धा के केंद्र श्रद्धे कुलाधिपति जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज गायत्री विद्यापीठ ब्रह्मोच्च शोध संस्थान के सभी आचार्य आचार्यगण कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री विद्यापीठ के सभी पुराने और नव प्रवेशी विद्यार्थीगण, एंड ऑल द इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू। और आप सभी विद्यार्थियों का भी बेटा इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में भाव भरा स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान दीक्षा की इस पृष्ठभूमि के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं तो जीवन के सौभाग्य के विषय में दो बातें कहना चाहूँगा। हम लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिनको कि हम जीवन परिवर्तन का क्षण कह सकते हैं। दे आर द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। जीवन परिवर्तन का क्षण वो क्षण होता है
जब आपको आपके जीवन के पथ का, दिशा का, उद्देश्य का स्पष्ट बोध हो जाता है, देयर लीव्स नो कन्फ्यूजन व्हाटसोएवर, देयर इज नो डाउट, आपको स्पष्ट बोध हो जाता है कि मुझे अपने जीवन को किधर, किस सोच के साथ, किस दिशा में लेकर के चलने की आवश्यकता है। समर्थ गुरु रामदास विवाह के मंडप में खड़े थे तो शादी कराने वाले पंडित ने कहा सावधान, और जैसे ही उनने सावधान कहा, समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि मुझसे सावधान होने को कह रहा है, उनने विवाह के मंडप को छोड़ा, सन्यासी बन गए। वो क्षण उनके जीवन परिवर्तन का क्षण था। चेतना में विवेकानंद के एक प्रश्न उभरा कि भगवान है या नहीं। उनने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि आपने भगवान को देखा है, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा देखा ही क्या है, दिखा भी सकता हूँ, इधर आ। और वो क्षण नरेंद्र के विवेकानंद बनने का क्षण था। गोस्वामी तुलसीदास पत्नी के प्रेम में आरक्त होकर के धाराओं को चीर करके, मुर्दे का सहारा लेकर के, लटकते हुए अजगर को रस्सी समझ करके चढ़ करके अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे तो पत्नी बोली जितना प्रेम आपको इस हाड़ मास की देह से है उतना भगवान से हुआ होता ना, भव सागर से तर गए होते। वो क्षण उनके तुलसीदास बनने का क्षण था। और प्यारे बच्चों, महापुरुष अपने जीवन के द्वार पर दस्तक देते इन क्षणों के साथ न्याय कर सके, उनको सौभाग्य में बदल सके, क्योंकि वो इन क्षणों के लिए तैयार थे, सावधान थे, जागरूक थे, दे वर रेडी टू इम्ब्रेस दोज अपॉर्चुनिटीज। यदि आप लोग उन क्षणों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन में भी एक नई दिशा का उदय हो जाता है। नहीं तो न जाने कितनों से शादी कराने वाले पंडित ने सावधान कहा होगा, वो सारे के सारे समर्थ गुरु नहीं बन गए, सावधान सुनकर के भी असावधानी कर बैठे, शादी कर ली। और न जाने कितनों ने उनके मन में प्रश्न आया होगा कि भगवान है या नहीं, वो सब के सब विवेकानंद नहीं बन गए। न जाने कितने की पत्नियों ने उलाहना दिया होगा, वो सारे के सारे गोस्वामी तुलसीदास नहीं बन गए। वो बनने के लिए यू शुड बी रेडी टू इम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी। जब आपके द्वार पर अवसर दस्तक दे तो उसको सौभाग्य में बदलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपके लिए यही अवसर और यही सौभाग्य लेकर के आया है। यदि आप लोग तैयार हैं तो ये आपके जीवन में एक नई दिशा का उदय कर सकता है। ये क्षण आपके जीवन में एक नई सोच, नया चिंतन, नया आयाम खोल सकता है, यदि आप तैयार हैं तो। यदि आप तैयार हैं तो ये क्षण आपके व्यक्तित्व में एक नई सुगंध, आपके व्यक्तित्व में एक नया सौंदर्य, एक नई खूबसूरती दे सकता है। शर्त एक ही है कि आपको तैयार होना चाहिए। आप स्वयं यदि अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए तैयार हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, अदरवाइज नथिंग इज पॉसिबल। दुनिया का कोई व्यक्ति, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो और घड़ा उल्टा लखड़ा हुआ हो, भर नहीं सकता। यदि आप स्वयं अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया का कोई उपदेश और कोई शिक्षा और कोई महापुरुष आपको बदल नहीं सकता। बदलने के लिए, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व वही चुनौती आपके लिए लेकर के आया है। यदि चुनौती आप स्वीकार करने की स्थिति में है तो आप युवा बन जाते हैं। अदरवाइज युवा है क्या? युवा वही तो है जो अपने जीवन की नाव को चुनौतियों से, संघर्षों से, झंझावातों से, प्रहारों से, आघातों से टकरा करके किनारे को छूना जानता है, वही युवा कहलाता है। जिनका जीवन समझौते करना जानता है, जो चुनौतियों को देखकर घबराते हैं, अवसरों को देखकर मुंह छुपाते हैं, जिनके अंदर संवेदना और साहस ढूंढने से नहीं मिलते, सो गए, शौर्य है, पराक्रम है, करुणा है, मानवता है, ढूंढने पर भी उनके दर्शन नहीं होते, धिक्कार है उनकी जवानी पर। 20 के हों, 30 के हों, उस नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लेकर के आप आधार का प्रमाण पत्र बनाते फिरिए, पर जब संस्कृति के उत्थान की, क्रांति के अभियान की और राष्ट्र के निर्माण की गाथा लिखी जाएगी तो उसमें उन मुर्दा व्यक्तित्वों का नाम कहीं नहीं होगा। दे वोंट बी एनीवेयर। बर्टन रसेल ने कहा है कि आदमी उसी क्षण मर जाता है जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं। मर तो उसी क्षण गया है, दफनाया बाद में जाएगा, मर तो उसी समय गया। यदि आपके अंदर के सपने मर गए, आपके अंदर का संकल्प मर गया, आपके अंदर की जवानी मर गई। सच्ची जवानी तो वो है दोस्तों जब आप अंदर के अंधेरे पर विजय पाना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप दुखियों के दुख को दूर करना जानते हैं। सच्ची जवानी वो है जब आप भटकों को राह दिखाना जानते हैं। वो नहीं है जो बाहर हल्ला गुल्ला चल रहा है कि मैंने बनाया चूरमा, भोले तुझे खाना पड़ेगा। क्या पागलपन है! आपने बनाया होगा, भोले क्यों खाएंगे आपका चूरमा? ये क्या, ये जो बेवकूफ़ी है इसका नाम जवानी नहीं है। जवानी वो है बेटा जब आपके हृदय में परिवर्तन की आग आती है, और वो आग आपको देने के लिए, वो जवानी की सोच आपको देने के लिए, वो आपके अंदर बहती जवानी से आपको परिचित कराने के लिए आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व। जब श्रद्धे कुलाधिपति अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ दीक्षा के मंत्रों से दीक्षित करेंगे तो उनका उद्देश्य मात्र संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि आपके सोच के अंदर, आपके चिंतन के अंदर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए एक जज्बे को पैदा करना है। क्योंकि आज एक देश, अपना देश, ये तड़पता हुआ समाज, ये भटकी हुई मानवता ऐसे
जज्बे वाले व्यक्तित्वों की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रही है, और इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया स्वार्थ की अहंकार की दुनिया हो गई। यदि हर व्यक्ति यही सोचे कि साहब मेरी ही इच्छा पूरी हो जाए तो भटकने के सिवाय हमें मिलेगा क्या। व्यक्ति भटके हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं, समाज बिखरे हुए हैं। स्वार्थ और अहंकार को लोग प्रैक्टिकल होना मानते हैं। धर्म है, न्याय है, नीति है, सदाचार है, वो गुजरे कल की बातें हो गए हैं, और ये जमाना बदलाव की चाहत रखता है। अदरवाइज यदि हम लोग इसको ऐसा ही छोड़ करके गए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ करके नहीं जाएगी। हम लोग यही सोचते रहे कि हर व्यक्ति यदि इसी सोच के साथ जिंदा रहे कि मैं दूसरे की जेब फाड़ कर और दूसरे की आँख उखाड़ करके जिंदा रहूँगा तो शमशान के सिवाय हमारे बच्चों के लिए कुछ छूटेगा नहीं। तो ये दुनिया बदलाव की चाहत रखती है, और आज इस दुनिया को चिंता की नहीं चिंतन की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को नीति की नहीं नियत की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को औजार की नहीं आचार्यों की आवश्यकता है। आज इस दुनिया को व्यक्तियों की नहीं व्यक्तित्वों की आवश्यकता है। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व इसी शुभकामना का पर्व है, इसी मंगल कामना का पर्व है कि वैसा व्यक्तित्व आप लोगों के मध्य से निकल करके आए। आप लोग यहाँ आए हो व्यक्तित्व को लेकर के जाओ। डिग्रियां लेने के लिए भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं। यहाँ आए हो तो अपने अंदर के गुरुदेव को, विवेकानंद को, भगत को, सुभाष को, गार्गी को, घोषा को, निवेदिता को, संघमित्रा को जगा करके जाओ। आग के पास आप लोग बैठे हो तो चिंगारी लेकर के जाओ, नहीं तो हाथ ताप करके तो बहुत सारे लौट जाते हैं बेटा। यहाँ पर आप लोग आए हो तो व्यक्तित्वों को लेकर के जाओ। एक छोटी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम लोग छोटे थे तो पूज्य गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, राजा था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए तो रास्ता भटक गया। तो एक किसान था, उसने उसको रास्ता दिखाया, भूखा प्यासा था, भोजन कराया और वापस रास्ते में छोड़ करके आया। तो राजा ने कहा, ऐसा है बेटा कि आपने मेरा जीवन बचाया है, कभी भी आपके मन में कोई मनोकामना आए मुझसे मांग लेना, जब भी, आज नहीं 30 वर्ष लगेंगे, 30 वर्ष बाद मांग लेना, पर जो मांगोगे वो मैं दूंगा, जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो मांगोगे और मैं दूंगा, आप राजपाट भी मांगोगे तो मैं दूंगा। 3 वर्ष गुजर गए, 3 वर्ष के बाद किसान के मन में आया कि अब मैं राजा से जाकर के मांगता हूँ, क्या मांगने की आवश्यकता है। तो राजा के पास गया और राजा से बोला कि साहब मुझे समझ में आ गया। राजा ने देखते ही पहचान लिया, बोला हाँ ठीक है आप आ गए। बोले हाँ, क्या मांगना है। बोले साहब इस बार कद्दू की फसल नहीं हुई, आप कद्दू दे दीजिए। तो गुरुदेव कहते थे, राजा के पास गए और मांगा क्या कद्दू। बेटा आप लोग आए हो भगवान के संरक्षण में आए हो, यहाँ आए हो तो व्यक्तित्व लेकर के जाओ, डिग्रियाँ मात्र लेकर के मत जाओ। डिग्रियाँ लेने के लिए तो हर गली हर कोने में दुकान खुली हुई है, पर व्यक्तित्व बदलने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, उसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। वहाँ पर आप खड़े हो तो फिर भगवान को अपने अंदर धारण करके जाओ। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही हम लोगों की मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संदेश स्पष्ट है कि ये हम सबके जीवन का वो समय है जब हमें निर्णय लेना है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय मात्र हमारे कागज की डिग्री पर अंकित होकर के जाएगा या देव संस्कृति विश्वविद्यालय की सुभाष हमारे व्यक्तित्व पर अंकित होगी। आइए, मनोभूमि निर्मित हो चुकी है, अब अगला क्रम है ज्ञान दीक्षा एवं संकल्प कर्मकांड का। कर्मकांड के प्रारंभ में हम लोग पुनः एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, सावधान होकर कमर सीधी करके बैठें। सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना, सबके लिए सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना, सबके कल्याण की प्रार्थना, गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्मकांड दो हिस्से में होगा। प्राथमिक चरण हम लोग अभी पूरा करेंगे, इसके बाद जो उसका विशेष क्रम है वो माननीय कुलाधिपति जी के श्रीमुख से आपको पूरा कराया जाएगा। सर्वप्रथम पवित्रीकरण के लिए तैयार हों, सभी लोग सावधान होकर बैठें। हमारे स्वयंसेवक भाई बहन जो जल का सिंचन करने के लिए तैयार हैं वे खड़े हो जाएं अपने जल का पात्र लेकर। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा एक वाक्य है। शिव की पूजा शिवत्व को धारण करके ही की जा सकती है। हम जिस पवित्र उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उसकी पूर्ति हेतु हमें आज से ही पवित्रता को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। ये अभिमंत्रित जल की बूंदें हमारे जीवन में पवित्रता का संचार करने में सक्षम हैं। हम भावनापूर्वक इनको ग्रहण करें, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं। हम भाव करेंगे कि हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं,
हम अंदर से और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। यहाँ से सूत्र बोले जाएंगे, आप क्रमशः उन सूत्रों को दोहराएंगे और हमारे स्वयं सेवक भाई बहन आपके ऊपर जल का विसिंचन करेंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अन्तःकरणेषु, अन्तःकरणेषु, संविशेत्, संविशेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, शांतिं प्रददातु। हमने पवित्रता को धारण किया, पवित्रता हमें सन्मार्ग की ओर ले चले, ऐसी प्रार्थना की। सन्मार्ग पर चलने वाला निश्चित ही महानता को प्राप्त होता है और महान व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होता है। हमने उस ओर कदम बढ़ा लिए हैं। आने वाली बाधाओं को हम अपने अंदर की हिम्मत से, अपने आत्मबल से पार करेंगे। प्राणायाम की प्रक्रिया इसी उद्देश्य से है। कमर सीधी करके बैठें। सूर्य ध्यान प्राणायाम, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। हम गहरी लंबी सांस खींचेंगे, यथाशक्ति जितनी देर रोक सकें अंदर रोकेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। भावना करेंगे सूर्य की प्राण ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। बाहर वायु निकालते समय हम भाव करेंगे हमारे जीवन के कषाय कलमस निकल कर बाहर जा रहे हैं, हम प्राणवान हो रहे हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यत् भद्रं तन्न आशुव। भावना करें हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान हो रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। अगली क्रिया चंदन धारण करने की है। आराम से बैठ जाएं, आपके पूजा पात्र में रोली चंदन है, उसे अनामिका उंगली में ले लें। उंगली को सामने करेंगे, जिनके पास ये पात्र नहीं होगा वे धरती माँ की रज को चंदन की तरह पवित्र मानते हुए इसे माथे पर धारण करेंगे। हम यहाँ से सूत्र बोलेंगे, सूत्र दोहराएंगे, इस चंदन को अभिमंत्रित करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तक सदैव ऊंचा बना रहे, हमारा विवेक सदैव स्थिर बना रहे, जागृत रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए सूत्रों को दोहराएंगे, बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए चंदन लगाएंगे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम, शांतम भूयात्, शांतम भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः, मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम, उन्नतम भूयात्, उन्नतम भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः, स्थिरी भूयात्, स्थिरी भूयात्। मंत्र के साथ तिलक लगा लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके पूजा पात्र में रक्षा सूत्र कलावा रखा हुआ है, एक दूसरे के सहयोग से इसको बंधवाएंगे। ये व्रत बंध है, आज से हम व्रत को धारण कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के अंग बनने का, उसके अवयव बनने का,
उस संस्कृत के सूत्रों को जीवन में धारण करने का संकल्प ले रहे हैं, उसका यह प्रतीक है। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, मंत्र के साथ एक दूसरे के सहयोग से बहने भाई इसको बंधवा लें। विवाहित बहने इसे बाएं हाथ में बांधती हैं सभी कन्याएं, और सभी भाई लोग इसे दाहिने हाथ में बंधवाएं। ओम व्रते न दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अगला क्रम मातृवंदना का है, धरती माँ की वंदना करेंगे हम लोग, जो हम सबको धारण करते हैं, जो हम सबका पोषण करती हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ आप अपने दिव्य गुणों को हमारे जीवन में भी प्रवेश कराएं। आप धारण करती हैं, हम ज्ञान धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त पा सकें। आप सुगंध की स्रोत हैं, हमारे जीवन को भी संस्कृत के सुगंध से ओतप्रोत कर दीजिए। ऐसी माँ की प्रार्थना करते हुए धरती माँ का स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे। सूत्र बोला जा रहा है उसे दोहराएंगे। माता भूमि माता भूमि पुत्रोहम पुत्रोहम पृथिव्याः पृथिव्याः नमो मात्रे नमो मात्रे पृथिव्यैः पृथिव्यैः नमो मात्रे पृथिव्यैः पृथिव्यैः। धरती माँ को नमन करने के बाद अब हम विभिन्न देव शक्तियों को नमन करेंगे। इस सृष्टि के संचालन में अनेक अनेक शक्ति धाराएं कार्यरत हैं, जिनके सहयोग की जिनकी अनुकूलता की हमें हर पग पर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। हम उनको नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे संकल्प को पूरा करने में आप हमारा सहयोग प्रदान करें, आप हमारी मदद करें, हमको भटकने से बचाएं, हमको गिरने से बचाएं, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ऐसी भावभरी प्रार्थना करते हुए हम विभिन्न देव शक्तियों को नमन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, सूत्र यहाँ से बोला जाएगा, सूत्र को दोहराते हुए नमन करते जाएंगे। ओम परमात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः देव शक्तिभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः देव पुरुषेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः महाप्राणेभ्यो नमः ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः मातृशक्तिभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः तीर्थेभ्यो नमः ओम महाविद्यायै नमः ओम महाविद्यायै नमः। देव शक्तियों का आमंत्रण किया, उनको बुलाया, पूजा वेदी पर विराजमान हुई। हमारे स्वयं सेवक प्रतिनिधि बहने देव मंच पर देव शक्तियों का पूजन करेंगे, पंचोपचार पूजन करेंगे। हम सब लोग हाथ जोड़कर बैठे भावना पूर्वक पूजन में सम्मिलित रहें, प्रार्थना करते हैं। हे देव, जल के रूप में हमारी सहज श्रद्धा आपको समर्पित है, गंधाक्षत के रूप में हमारी सदैव सहायता आपको समर्पित है, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको समर्पित है, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को आप स्वीकार करें, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करें। सूत्र यहाँ से बोला जा रहा है, दोहराते जाएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः जलम जलम गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पम पुष्पम धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि। और अंत में दोनों हाथ जोड़कर उस अनंत रूप परमात्मा को भावभर नमन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोनुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शा
कार्यक्रम में स्वस्ति वादन किया जाएगा। पुष्प अक्षत आपके पास हैं, हाथ में ले लें। प्रतीक रूप में आपके हाथ में पास में जो ये पीला दुपट्टा है गायत्री मंत्र का, इसे हाथ में रख लें। स्वस्ति वाचन के बाद ये दुपट्टा आपको श्रद्धेय कुलाधिपति के द्वारा जब प्रतीक धारण कराया जाएगा, जब ज्ञान दीक्षा का अगला क्रम होगा उस समय इसको आप कंधे पर डाल लेंगे। अभी इसे अभिमंत्रित करने के लिए हाथ में लेकर के बैठें। स्वस्ति वाचन के मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, कमर सीधी करके बैठें, भावनापूर्वक इनका साथ दें। सबके कल्याण की प्रार्थना। स्वस्ति वाचन। ॐ गणानां त्वा गणपति वं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति वं भवामहे, निधीनां त्वा निधिपति वं भवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम मा। ॐ स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः, श्रत्रेष्ठो विष्णोः, स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, वसवो देवता रुद्रा देवता, आदित्या देवता मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। माथे से लगाएं, पुष्प अक्षत अपने पात्र में रख लें और उत्तरी को अपने कंधे पर धारण कर लें। अभी श्रद्धेय कुलाधिपति जी के द्वारा आपको ज्ञान दीक्षा का विशेष क्रम संपन्न कराया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि सहित सभी उपस्थित आचार्यगण, आचार्य बहनें और हमारे नवागंतुक छात्र छात्राओं, हमारे पुराने सभी छात्र छात्राओं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा कर्मकांड है जिसके माध्यम से आपको दीक्षित किया जाता है, ये एक दीक्षा का संकल्प है। कर्मकांड जो है बेसिक टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमको शिक्षा दी जाती है, हम कैसे बने, क्या बनना चाहिए, आपको कुछ शिक्षा इसमें मिलेगी। ये जो दीक्षा का संकल्प है सब लोग करेंगे, आप भी करेंगे और आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब वो देखेंगे उनको बोलते हुए तो पता चलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला छात्र नहीं कर सकता, छात्रों और शिक्षकों के सम्मिलित पुरुषार्थ से ही कोई कार्य संभव होता है। महामानव बनना आसान नहीं है। जब शिष्य को गुरु मिलता है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण मिलते हैं, जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, तब जाकर के वैसे बन पाते हैं। तो आप सभी ये भाव रखें कि हम लोग सब मिलजुल करके करेंगे काम। अब
हमारे साथ साथ दोनों वर्गों को बोलना है, शिक्षकों को भी, शिक्षिकाओं को भी, जो आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल और आने वाले और भी कई साल, जितने दिन आप रहना चाहें, उन सब सालों में आपका नेतृत्व करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे वो सभी शिक्षक हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ, मेरे साथ साथ बोलेंगे। ओम सहना ववतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यम करवा वही, तेजस्विनाव धीतमस्तु, माँ विद्विषा वही। अब इसका जो मंत्र का भावार्थ है वो मैं बता देता हूँ। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब यहाँ अगला जो सूत्र है उसमें दो चीज़ें हैं, एक में यश है, दूसरा ब्रह्मवर्चस है। यश जो होता है वो हमारा लौकिक होता है, हमारा नाम होता है, हम बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से PhD कर लिया, आपको डिग्री मिल गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चों ने लॉरेल्स स्थापित किए हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं, पूरे देश में कई प्रतिस्पर्धाएं हुई, उन प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम आए, न केवल योग की बल्कि सभी जितनी प्रकार की हो सकती थी उन सब में प्रथम द्वितीय ऐसे में आपका भी नाम जुड़े, ये लौकिक यश है। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ यशः, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। जब छात्रों का बढ़ेगा, छात्राओं का बढ़ेगा, तो शिक्षक का भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों का यश एक साथ बढ़े। दूसरा है ब्रह्मवर्चस। ब्रह्मवर्चस कहते हैं आत्मबल को, ब्रह्मवर्चस हमारा जो अंतःशक्ति है वो एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस एक साथ बढ़े। ब्रह्मवर्चस अलौकिक होता है, आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी यहाँ की जो वातावरण की जो विशिष्टता है उसके साथ जुड़कर आप विशेष साधनाओं से भी जुड़ेंगे और साधनात्मक जीवन में प्रवेश करके आगे ऊंचा उठेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस एक साथ बढ़े। अब ये दूसरा जो क्रम है इसमें आचार्यगण आपके जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे आचार्यगण कहाँ बैठे हैं। आचार्यगण बैठे हैं आपके इधर, उधर आचार्य बहनें बैठी हैं, ये बोलेंगी मेरे साथ और उसको आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करते समय बोलेंगे मान्यम, ठीक है, आपको स्वीकार है। और बड़े सिंपल सूत्र हैं जो आदमी को, जीवन को महान बनाते हैं, ऐसे सूत्र हैं। आचार्यगण बोलेंगे सत्यम वद, इसका अर्थ होता है सत्य बोलेंगे। सत्य बोलने में कोई ऐतराज तो नहीं किसी को, बोलिए मान्यम, सब एक साथ बोलिए। अब दूसरा है धर्म का आचरण करो, धर्मम चर, आप लोग बोलिए। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे, स्वाध्याय हमारे लिए बहुत एक इतनी बड़ी जरूरत है कि इसके माध्यम से हमारा जो दैनिक जीवन है वो व्यवस्थित हो जाता है। हम अच्छी किताबों का स्वाध्याय करेंगे, श्रेष्ठ किताबों का स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय का मतलब होता है निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना, विधेयात्मक विचारों में, पॉजिटिव विचारों में रमण करना। तो आप बोलेंगे, हमारे शिक्षकगण बोलेंगे स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वीकार। अब है धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे, धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। मान्यम, अब संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। देखो आज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट, एक तरह से मैं कहता हूँ उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, आपने उनको छोड़ के हमको स्वीकार किया, इसका मतलब ये कि आप यहाँ केवल संसाधनों के विकास के लिए नहीं आए हैं पर अपने आत्म जगत के विकास के लिए भी आए हैं। तो
संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। संसाधन का विकास मतलब क्या, एक तो हमारी इंटेलेक्ट बढ़े, हमारा आईक्यू बढ़े, हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़े, इसके साथ साथ हमारे जीवन में संसाधन बढ़ने के लिए हम इतने योग्य बन जाएं कि आने वाले दिनों में कभी भी, अब यहाँ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 80,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2.5 लाख का पैकेज है, कई लोग अपनी खुद की जॉब, खुद का कंसर्न चालू किए हुए हैं और न जाने कितने, मैं तो 2002 से ज्ञान दीक्षा दिला रहा हूँ, 2002 से अभी तक न जाने कितने बच्चे ऊंचे उठे हैं, पैसे की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो आप भी संसाधनों के विकास में प्रमाण नहीं करेंगे, हमारे शिक्षक गण बोलेंगे भूत्यई न प्रमदितव्यम, इसका मतलब होता है संसाधनों के विकास में, आप बोलिए संसाधनों के विकास में प्रमाद न करें, स्वीकार है। अब स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे, स्वाध्याय और प्रवचन, प्रवचन करने का मौका मिलेगा आपको तो आप खूब बोल सकते हो, पर प्रवचन का मतलब ये होता है उसको जीवन में भी उतारना। स्वाध्याय तो ऊपर बोल दिया, पर स्वाध्याय के साथ साथ तो उसको जीवन में उतार करके मुँह से निकालना भी है, सामने वाले को भी जोड़ना है, अच्छे विचार फैलाने हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करें, स्वीकार है। अब अगला है माता को देवता मानो, हमारे यहाँ तीन देवता कहे गए हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन तीनों को हम प्रणाम करेंगे। मातृ देवो भव मान्यम, पितृ देवो भव मान्यम, आचार्य देवो भव। अब जो दोष रहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करें, इसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष न हो, अग्नि में जैसे धुआं होता है उस तरह से हर कर्म के साथ दोष जुड़ जाता है कोई ना कोई, तो कोई भी कर्म ऐसा हो जो दोष रहित दिखाई, दोष सहित दिखाई पड़ रहे हों तो उनका सेवन न करें, उनका उपयोग न करें, उनसे बचें, अपने कर्मों के ऊपर अपनी निगाह रखें। कर्म ही हमारी भाग्य का विधाता है और कर्म यदि हमारे सही नहीं हुए तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए दोष रहित कर्मों का सेवन करें। अब आपके पास आचार्य गण बोलेंगे यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, स्वीकार है। अब अंतिम है जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करें। अब जो रोल मॉडल हम बनाते हैं तो किसको बनाते हैं रोल मॉडल, हम बनाते हैं अच्छे लोगों को, बढ़िया लोगों, नचिकेता, स्वामी विवेकानंद, भगीरथ, ऐसे रोल मॉडल जिनको हम देख करके जिनको लगता है कि हाँ इनके इन्होंने कुछ किया। अब आज तो हमारे सैनिक हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कश्मीर के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से योद्धा के भाव से जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी जान की चिंता नहीं करते, वो लोग हैं इसलिए हमारी रक्षा हो रही है, वो लोग हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनको भी रोल मॉडल मानेंगे। अगर आगे चल के मौका मिला हम मिलिट्री साइंस का भी कोर्स यहाँ आरंभ करेंगे, उम्मीद है जल्दी आरंभ करेंगे, तो ये देश की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारे रोल मॉडल कौन होना चाहिए, रोल मॉडल उसको बनाएंगे जिसने जीवन में कुछ करके दिखाया और अच्छा जीवन जिया। तो आपको ये बोलना है कि हम अपने जिसके श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे। हमारे शिक्षक गण बोलेंगे यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, ये जो रोल मॉडल बन के फॉलो करना है इसका नाम उपास्या है, उपासना है, हम उनकी उपासना करेंगे क्योंकि जिसकी उपासना करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, उपासना परमात्मा की जाती है परमात्मा जैसे बन जाते हैं, हम भगवान की उपासना करें भगवान जैसे बन जाएं, ये भाव मन में रखें। नो इतराणि मान्यम, अब मेरे साथ साथ बोलेंगे, अब इसमें कोई ये मन न सोचे कि हमारे कुलाधिपति जी तो पुत्र बोल रहे हैं हम तो पुत्री हैं, बेटा पुत्र वर्ड जो है पृथ्वी पुत्र जब बोला जाता है तो ये जेंडरलेस है, इसके लिए ये नहीं बोला जाता कि हमें पृथ्वी पुत्री बोलना है, ठीक है, पर जहाँ कहूँगा कहूँगी बोला है तो वहाँ अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, सभी को बोलना है एक साथ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा, मैं लोक कल्याण के लिए
समर्पित रहूंगा, संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। यहाँ के नियम अनुशासन हैं जिनका आपको पालन करना है। मुझे अफसोस है कि मैं आज आपकी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे आज ही निकलना है शाम को रात को, तो मैं आके लौटने के बाद मैं आपकी क्लास सीख लूँगा, उसके बाद गीता की क्लास लूँगा, फिर गीता और ध्यान हर गुरुवार को एक एक क्लास होगी। तो ये जो अनुशासन हैं, नियम हैं, ये तुमको बताए जाएंगे कुलपति जी के द्वारा, कुल सचिव जी के द्वारा, हॉस्टल वार्डन के द्वारा, आपके जो प्रिफेक्ट बनेंगे उनके द्वारा, तो इनका पालन करेंगे। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे, चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। समाप्त, दीक्षा का क्रम समाप्त। ठीक, अब ये जो दुपट्टा है आपका, इसको चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, चाहें ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी बहनें चाहें ऐसा रख लें और आप चाहें तो बीच ऐसे रख लें, जिस तरह से चाहते हैं वैसे रखें। अब इसके बाद अगला क्रम होगा, उसके बाद फिर मैं फिर आऊँगा बोलने आपके बीच। परम श्रद्धेय के माध्यम से हम सभी ने ज्ञान दीक्षा के इस संस्कार से संस्कारित होने का भाव किया। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। संस्कारित भूमि में मनोभूमि उर्वर हो चुकी है, उसे और साधना सिक्त बनाने के लिए एक प्रज्ञा गीत गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, इसके माध्यम से हम सभी अपने भावों को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं और इस भाव के साथ आगे चलते हैं कि उस गुरु तत्व को हम सब जीवन में उतारें, जो हमारे मनों को प्रकाशित करें, हमारे जीवन को आलोकित करें और हमारे संकल्पों को पूर्णता तक ले जाने के लिए हम सबको तैयार करें। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु ही ज्ञान, ज्ञान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद के पास, गोविंद के नहीं दिखली
अनुदान मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे, गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे, टूटेंगे हम बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे, टूटेंगे हम बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे, क्या से क्या तू बन जाओगे, क्या से क्या तू बन जाओगे, तुमको ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रहे। गुरु तत्व के उस गुरुत्व को हम सब अनुभव करें, इसी प्रेरणा के लिए है यह ज्ञान दीक्षा समारोह। इस समारोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम एक नए रूप में आरंभ हो रहा है। आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, इस देवभूमि में, एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है जिनको लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, परम पूज्य श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ के प्रमुख श्रीमद् सद्गुरु ब्रह्मेशानंदचार्य स्वामी जी महाराज जी, जो हम सभी के मध्य आज यहाँ पर पधारे हैं, उनका करतल ध्वनि के माध्यम से हम सब स्वागत करते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने गुरु के संरक्षण में बहुत ही कम उम्र में वेद, उपनिषद, धर्म एवं आध्यात्मिक संपदा से जुड़े कई अनुष्ठान किए, संगीत व कला में भी उनकी विशेष रुचि रही है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कठिन परिश्रम पुरुषार्थ के माध्यम से 6 से ज़्यादा मठ, संगठन, 24 संस्थान, जो कि देव संस्कृति की सेवा के लिए विभिन्न रूपों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वेद, संस्कृत, संस्कृति, नारी जागरण, युवा, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से आप हिंदू धर्म आचार्य सभा के आचार्य हैं, ग्लोबल योगा अलायंस के पैट्रन हैं, साथ ही साथ इटली और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं में आपकी विशेष भूमिका रही है। तो ऐसे एक बड़े विनम्र व्यक्तित्व, जहां एक और ज्ञान की ऊंचाई है तो वहां विनम्रता की गहराई है, उनको हृदय से आमंत्रित करते हैं आज इस अवसर पर आप यहां पधारें और हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। पूजनीय स्वामी जी, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूं
गुरुमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्ञान दीक्षा समारोह में पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे गुरुदेव और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उनके भी श्री चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ उनके भी श्री चरणों में वंदन करते हुए आज के इस दीक्षा ज्ञान दीक्षा समारोह में आप सब लोगों को जय सच्चिदानंद नमस्कार। डॉक्टर जी का आदेश हुआ इस पवित्र मंगलमय ऐसे समारोह में आपको उपस्थित रहना है। वैसे तो हम दत्त भक्त हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान दत्तात्रेय जी की इच्छा थी कि हम आज के इस दिन में आपके साथ उपस्थित रहे। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान दीक्षा का समारोह जो है वो वैसे तो कई यूनिवर्सिटी में आपको नहीं दिखाई देगा। समर्पण जो होता है उसका कार्यक्रम जरूर होता है कॉन्वोकेशन का, लेकिन ये ज्ञान दीक्षा से शुरुआत जो है वो हमारे डॉक्टर जी ही कर सकते हैं। तो उन्होंने आज इस देव यूनिवर्सिटी में, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपने पूरे विश्व में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो है वो प्रणव स्वरूप है। इसलिए क्योंकि हमारे धर्म में हमारे संस्कृति में प्रणव सर्वोच्च है और हमारे विश्व में आप जब जाएंगे तो हम प्रणव साथ लेकर जाते हैं। एक भी ऐसा यानी पेड़ का पौधा हो या कोई भी इंसान हो, कोई व्यक्तिमत्व हो या कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, प्रणव के बिना जीना संभव नहीं है। और आप सब लोग यहां दीक्षा ले रहे हैं, सबसे भाग्यवान सौभाग्यशाली आप लोग इसलिए हैं क्योंकि आपको साक्षात प्रणव दीक्षा दे रहे हैं। ये नाता जो आपसे जुड़ा हुआ है ज्ञान दीक्षा के माध्यम से कभी भूलना मत। जिंदगी का सबसे बड़ा ये अवसर आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है, हम भी दीक्षित हुए आज, इतना बड़ा ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है। और ये जो विभूति आपके सामने बैठी हुई है, नाम तो बस कुलाधिपति है, ये हमारे धर्म के सर्वमान्य सर्वोच्च संत विभूति हैं जिनको हम वहां देखते हैं, जिन्होंने सबसे ऊपर आकर ये सब खड़ा किया है, ये सब जो निर्मिति है
ये निर्मिति देश को ही नहीं बल्कि विश्व को निर्माण करने वाली ये संस्कृति है। इसीलिए ये जो दिव्यत्व आप सब लोगों को मिलने जा रहा है, ये जो दिव्यत्व की दीक्षा आपको मिल रही है, ये दीक्षा यानी नई दृष्टि है। ये दृष्टि आप सब लोगों को यहाँ से लेनी है, जिस दीक्षा के बारे में या जिस दृष्टि के बारे में हमारे चिन्मय जी ने यहाँ आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि क्या दृष्टि होनी चाहिए एक मनुष्य की, क्या होता है मनुष्यत्व, ये मानवतावादी जीवन जीना कितना सुंदर और सुलभ है, ये सुंदर बातें हमारे चिन्मय जी ने आपको बताया है। और वो ही इसलिए बता सकता है क्योंकि वो प्रणव की उत्पत्ति है। और ये जो चिन्मयी अवस्था है वो प्रणव की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। तो हम सब लोगों का उद्दिष्ट क्या है? तो हमारा उद्दिष्ट चिन्मयी स्थान प्राप्त करना है। हमारा चित्त जो है वो ईश्वर से जुड़े, देव संस्कृति यानी ईश्वरमय बनी हुई संस्कृति। हम यहाँ माहौल देख रहे हैं, यहाँ का माहौल ईश्वरीय सत्ता से परिपूर्ण आपको दिखाई देगा, सात्विक सत्ता से परिपूर्ण आपको ये माहौल, यहाँ का वातावरण सब कुछ आपको बदल देने में सक्षम है। बस आप सब लोगों को ये दीक्षा प्राप्त कर ये दृष्टि जो है वो खुद को, मुझे नहीं लगता आप यदि ऐसे ही यहाँ ज्ञानार्जन करेंगे तो खुद ब खुद बात बदल जाएंगे, खुद को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर वातावरण जो है ये यहाँ इस विश्वविद्यालय में खड़ा है। और हम कहते हैं कि जैसे कि इतना सुंदर माहौल बना भी गया होगा, कई मूर्ख होते हैं, मूर्ख के लक्षण भी होते हैं, तो ये मूर्ख के लक्षण हम समझ ले। पहली बात जो विद्यार्थियों में विद्यार्थी दशा में समझनी चाहिए वो यह है कि आपको क्रोध के ऊपर संयम बनाना है। लगता है कि ये क्या चल रहा है, आपको यदि निर्माण करना है, खुद को बदलना है, खुद को बड़ा करना है, तो इतने सालों में इतने जन्मों में हमारा मन और जो आत्मा साथ साथ चल रहा है, पैरेलल ही चल रहा है, तो कुछ न कुछ कुसंस्कार के हमारे मन को लगे ही होंगे, हमारे साथ चले हुए हैं। तो उन सबको बदलने के लिए ये ज्ञान दीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्रोध के ऊपर संयम रखना है। लगता है भाई कई बार ऐसा होता है कि इस दशा में समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ शिक्षा प्राप्त करते समय ये मूर्ख के पांच लक्षण जो होते हैं उनमें सबसे ऊपर जो है वो क्रोध आता है। जो क्रोधी हैं, क्रोधायमान अवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूर्ख के पहले लक्षण हैं। दूसरा है जो हम कहेंगे वो ही होगा, बाकी किसी का हम सुनेंगे नहीं। ये जो दृढ़वाद जो है, हठ जो है, वो भी मूर्ख के दूसरा लक्षण है। मूर्ख के तीसरा लक्षण है कि हम यदि दूसरों का आदर नहीं करेंगे, दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे, तो ये विद्या हम में नहीं उतरेगी, क्योंकि ये विद्या है सा विद्या या विमुक्त। ये जो विद्या होती है वो आपको परिपूर्ण बनाती है, आपको पूर्ण बनाती है। ये विद्या आप में यदि दूसरों को आदर देना, दूसरे में जो सच्चिदानंद स्वरूप है, दूसरे में जो दिव्यत्व है, वो यदि आप सम्मानित नहीं करेंगे तो आप सच्चे में मूर्ख रहेंगे। और चौथा लक्षण जो है मूर्खत्व का, वो दूसरों को गालियां देना, कुछ हम अच्छे हैं बाकी सब जो है वो गलत हैं, ऐसा एक स्वभाव अपने दिल में रखना, ये मूर्ख के लक्षण बताए गए हैं। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के नाम में जो देवत्व लिखा हुआ है, दैवी शक्तियाँ इस यूनिवर्सिटी में हैं, वो यदि आपको मिलनी चाहिए तो आपको अहंकार से परे रहना चाहिए, गर्व से अलग रहना चाहिए। और विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाद धर्मम तथा सुखम। आपको यदि विद्या मिलनी है तो
तो ये मूर्खता आपको त्यागनी चाहिए। ये मूर्ख के पांच जो लक्षण बताए गए हैं वो आपको त्याग देने चाहिए। इसी में विद्या स्वयं ही आपको, जैसे कि बताया कि विद्या बाहर से नहीं अंदर से बाहर आनी चाहिए, उसी को विद्या कहते हैं। और इसी के लिए देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हमने बनाई हुई है। तो मुझे लगता है आप सब लोग यहाँ के मालिक हैं, आप सब लोग यहाँ के ओनर हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ सज्जनत्व का प्रचार प्रसार है, ये सज्जन लोगों की भूमि है। मालिक वही बन सकता है जो इसका आदर करेगा, पालन करेगा, और उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी कैद में हैं या कोई प्रिजन में हैं। क्योंकि मालिक जो होता है वो मालिक की तरह से रहता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग विद्यार्थीगण यहाँ विद्या पाते पाते आप सब लोग यहाँ के ही हो जाएंगे, यहाँ के ही आप लोग मालिक बन जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को ये देव संस्कृति यूनिवर्सिटी जो है वो पुकार रही है। बस देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए आप ऐसे नागरिक बनो कि आपके माता पिता को धन्यत्व मिले, आपके देश को धन्यत्व मिले, और ये मातृभूमि आपको आशीर्वाद दे दे कि बस यही विद्यार्थी, यही नागरिक की मुझे जरूरत थी। आज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आपने ज्ञान दीक्षा ले ली है। ये ज्ञान दीक्षा ऐसा संस्कार है जो यानी आपको उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। आपको जो दिखाई देगा वो बस यहाँ का कृति, यहाँ की कृति दिखाई देगी, लेकिन उसमें इतना पावर है, इसमें ताकत है। जैसे कि हम बताएंगे कि मनुष्य को जो श्वास है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम श्वास हैं तो ही मानते हैं कि ये जिंदा है, नहीं तो श्वास थोड़ा ही दिखाई देता है लेकिन फिर भी वो जिंदा है, उसका वो लक्षण होता है। वैसे ही हमारे अंदर ये जो सद्गुण आते हैं, ये सद्गुणों के लिए विद्या जो है, मैं सभी विद्यार्थीगणों से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग जो हैं एक दूसरे से चर्चा भी करते रहे। आप जो कुछ सीखते हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, ज्ञान और वर्धन होता है, ज्ञान बढ़ जाता है। चर्चा की बहुत जरूरत होती है विद्यार्थी दशा में। आपका जो मस्तिष्क जो है वो काम करने लगता है, और विद्या पात्र या विद्या आत्मसात करने की ये कला है। तो आप पैसा देकर भी विद्या ले सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके भी विद्या ले सकते हैं। और तीसरा मार्ग विद्या लेने का है गुरु शुश्रूषवे, गुरु का जो बताया हुआ ऑर्डर्स वो आपको फॉलो करने हैं, वो शुश्रूषा है। आपको जो कुछ बताया जा रहा है वो जस्ट आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसी में आपको विद्या जो है वो प्राप्त हो सकती है। आज इस ज्ञान दीक्षा समारोह में पूज्य गुरुदेव डॉक्टर जी ने हमें इस कार्यक्रम के लायक समझा और हमें यहाँ उन्होंने आमंत्रित किया। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के सभी मान्यवर, उनको भी नमन करते हुए, आप सब लोगों की आज दीक्षा हुई है, आप सभी भाग्यवंत और सौभाग्यशाली लोगों में हम भी आज यहाँ शामिल हैं। बस देव संस्कृति यूनिवर्सिटी का जो कार्य है ऐसा ही हमारे देश के लिए सर्वोच्च और सर्वोत्तम रहे, ऐसी ही इस हरिद्वार की देवभूमि में यहाँ के सभी देव देवता और माँ गंगा की चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सच्चिदानंद। श्रीमद् सद्गुरु जी को नमन करते हुए उनकी दी गई प्रेरणाओं पर आचरण करने का हम सब संकल्प लें। ज्ञान दीक्षा समारोह जो कि हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यात्रा का एक नया पड़ाव है, अब वह अवसर हम सबके निकट है जब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं जिनका जीवन आज जो अलौकिक है उसकी हर क्षण हर पल में वह भाव जुड़ा रहा, चाहे वो विद्यार्थी जीवन में अपने शिक्षकों के प्रिय रहे, एक सहपाठी के रूप में अपने सहपाठियों के प्रिय रहे, और एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। और आज भी जब वो हमसे बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी उम्र के कोई अपने हमसे बता रहे हैं, हमारे मनों को समझ रहे हैं। युवा मनों की समझ उनके मन में है, वो वैज्ञानिक दृष्टि है, वो एक विजनरी हैं। और उन्होंने जीवन के उस अवसर को पहचाना जब US मेडिकल सर्विसेज में चयन हुआ, वह पत्र पूज्य गुरुवर के हाथों लगा, पूज्य गुरुवर ने उनके सामने फाड़ के उनको दे दिया।
मन में प्रश्न जरूर थे, लेकिन गुरुवर के आह्वान को उन्होंने स्वीकारा तो देव संस्कृति गायत्री परिवार के साथ जुड़कर वो एक उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से बढ़ते बढ़ते वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आज वो हम सब के श्रद्धेय हैं। उनकी वाणी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने सुना, नासा ने उनकी वाणी को सुना, उनसे प्रभावित इतने हुए कि उनको जितने पुरस्कार देने थे वो दिए। त्याग की अपने आप में प्रतिमूर्ति हैं, एक परिवार के अभिभावक हैं। 12 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार उनकी ओर निहारता है। घर में 4 लोगों को संभालने में लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को प्यार से जोड़ने के लिए वरिष्ठों की टीम के साथ जिस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं, हम सब के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दिनचर्या, उनकी वर्षानुवर्ष परिव्रज्या और देश और विदेश में उनकी यात्राएं जो युवाओं का मन बदल रही हैं और सबके जीवन में एक रूपांतरण ला रही हैं, ऐसे संकल्पों के धनी, क्रांतिदर्शी, हम सब के अभिभावक, हम सब के मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय को हम सब हृदय से आमंत्रित करते हैं। ये परिवर्तन के क्षण हैं हमारे जीवन के। हम सब चाहेंगे परम श्रद्धेय के वो वाक्य हम सबका जीवन बदलें। आशीर्वचन हेतु निवेदन परम श्रद्धेय से। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें। गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है। सूर्य देवता पोषक हैं, पालक हैं और उन्हीं की वजह से हम लोगों के अंदर प्राण है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत की आत्मा जो है सूर्य, इसको उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रावधान बनाया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक विजिबल लोगों के अंदर जो लग रहा था कि नेग्लेक्टिंग भाव था गायत्री मंत्र के प्रति, उसको निकालते हुए गायत्री मंत्र को जन जन के बीच में पहुँचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ वंदनीय माता जी दोनों ने मिलकर के गायत्री मंत्र घर घर पहुँचाया और आज 12 करोड़ लोग तो करते ही हैं, उनके साथ साथ न जाने कितने लोग गायत्री मंत्र को अब ये मानते हैं कि न तो ये अब प्रतिबद्ध है किसी के लिए, न किसी के लिए निषिद्ध है, न इसका कोई कवच है, न कोई इसका वो अनुशासन है। केवल एक अनुशासन है कि आप बुद्धि जो है अपनी सही रखिए, बस केवल वही है। वशिष्ठ की तरह से विशिष्ट बन जाइए आप, ब्रह्मा की तरह से ब्रह्म स्वरूप बन जाइए और आप जो है विश्वामित्र की तरह से विश्व के मित्र बन जाइए। बस ये 3 चीज़ें हैं जिनसे इसका शाप उत्कीलन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ऊपर लिया सारा और उसके बाद गायत्री मंत्र सबको सुलभ कराया। गायत्री मंत्र मेरे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धाप्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया आपको। ब्राह्मी देवी जी जो आई हैं हमारे बीच, उनके साथ आई हैं उनकी पत्नी, वो वकील हैं, एडवोकेट हैं। और ब्रह्मेशानंद जी ने संन्यास परंपरा में एक नई व्यवस्था चालू की। मैं पिछले साल इनके यहाँ होके आया गोवा। गोवा में सर्वधर्म सभा, संतों की सभा थी और मुझे उसमें बुलाया गया था गायत्री परिवार के प्रमुख के नाते। तो हमने इनका आतिथ्य देखा, बहुत प्यार से इन्होंने हमें रखा और सारा के सारा खिलाने का और रहने का सारा खर्च पूरे सारे संतों का, करीब 1,500-2,000 संत थे जो कि दक्षिण भारत से भी आए थे।
सात मुख्य संत थे और उन संतों में मेरा भी नाम था, मैं भी वहाँ विराजमान था। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने इनके इस मंत्र को याद रखा, जय सच्चिदानंद। मैंने जैसे इनको फ़ोन किया, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं इनको अनेन मौके पे बुला रहा हूँ, आप आएंगे कि नहीं। जय सच्चिदानंद बोला, वैसे इन्होंने पहचान लिया मुझे कि डॉक्टर प्रणव पंड्या होना चाहिए। जय सच्चिदानंद वही बोल सकता है जो मेरे साथ रहा हो। मैं इनके साथ रहा 3 दिन और 3 दिन में इन्होंने जो मुझे आतिथ्य दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत इनका स्नेह मानता हूँ। पति सपत्नी आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ 2 दिन रहेंगे आप लोगों के बीच में, आपको कुछ भी बात करनी हो, पूछना हो, कुछ जिज्ञासाएं हो तो इनसे पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो दीक्षा में होती है, दीक्षा एक नया जन्म होता है। दीक्षा द्विजत्व धारण करना, द्विजत्व दूसरा जन्म, द्विज तो दूसरा जन्म धारण कर लेना। अभी आज के पहले आपका जन्म क्या था मुझे मालूम नहीं, परंतु अब आप एक नए जन्म के साथ जुड़ गए और ये जन्म है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक छात्र छात्रा के रूप में, एक शिष्य के रूप में। और ये कहीं भी किसी भी रूप में इसका धर्म के साथ या किसी चीज़ के साथ कोई संबंध नहीं, इसका संबंध केवल एक ही चीज़ के साथ है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता उतरे और हमारे जीवन में अवसर को पहचानने की एक प्रक्रिया उतरे। जैसा कि हमारे पति कुलपति जी ने आपके सामने बड़ा साफ कहा कि जिसने अवसर को पहचान लिया वो महान बन गया। एक किरीटी नाम कहा जाता है, अर्जुन के लिए नाम किरीटी है, मतलब मुकुटधारी अर्जुन। मुकुटधारी अर्जुन ने बहुत वीर था, दोस्त थे उसके श्री कृष्ण, सखा था, मित्र था और साथ साथ चलता था, साथ साथ था उनके साथ, उनका संबंध भी था, रिलेटिव भी थे, ब्लड रिलेटिव भी थे, फूफा मौसा के भाई थे दोनों, और दोनों के दोनों प्यार से रहते थे। परंतु जब ये युद्ध की बात आई तो युद्ध की पूरी प्लानिंग बनाने में श्री कृष्ण ने मदद की और अर्जुन ने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद अचानक न जाने क्या हुआ, जब युद्ध सामने आया तो डिप्रेशन में चला गया। उसके मन में एक अनायास मोह पैदा हुआ, मैं जिनको मार रहा हूँ ये कौन लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे कुलगुरु हैं, ये मेरे वो लोग हैं जो कि मेरे घर के बड़े बड़े माने जाते हैं, और इनके सामने मैं इनको मारने का व्रत लेकर के आ गया हूँ, मैंने क्या किया। बस तब श्री कृष्ण उसका मोह भंग करते हैं और कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मे संप्रसितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, तू क्या कर रहा है, तुझे कायरता का बोध कहाँ से हुआ। ये क्लैबियम मा सुगम पार्थ न एतत्त्वय उपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। शुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, शुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़ और छोड़ करके खड़ा हो जा। हर युग में महापुरुषों ने, महामानवों ने, देव गुरुओं ने यही वरदान दिया, यही बात कही है, उत्तिष्ठ परंत, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। हम क्या है, जनरली खड़े नहीं हो पाते, हम चुनौती के सामने खड़े नहीं हो पाते, अनीति के सामने खड़े नहीं हो पाते, हम जो समाज में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ चल रही हैं इसके सामने खड़े नहीं हो पाते। चारों ओर देखिए तो शिक्षा के नाम पर बाजारीकरण हो रहा है, हम उसके सामने भी खड़े नहीं हो पाते, हम बोल भी नहीं पाते उनके सामने, और हम ये भी नहीं कह पाते कि भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं इससे तो और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि आप जितना पैसा चार्ज करते हैं उस पैसे के बदले में आप इनको क्या दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। इसके बावजूद भी लड़के पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं पर पढ़ नहीं पाते क्योंकि पढ़ाने वाले इस योग्य नहीं हैं। और वहाँ इसकी स्थिति देखने के बाद ये लगता है मित्रों कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे जो छात्र छात्राओं का भविष्य क्या होगा। नशे की गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं और एक प्रकार से जब निकलते हैं पास होकर के, पास आउट होकर के निकलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी योग्य होते होंगे नागरिक बनने के। ऐसे में एक चिंगारी हमने छोड़ी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा उत्तिष्ठ परंतप, और उठने के प्रक्रिया का संदेश मिलने के बाद अर्जुन जब अपने को टटोलता है और पूछता है कि मैं कौन हूँ और मैं कर सकता हूँ कि नहीं,
तो वो कहता है मैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मैं कृपणता के दोष से ग्रसित हो गया हूँ। यह श्रेय से अनिश्चितम ब्रूहितन में, श्रेय मार्ग क्या है, प्रेम मार्ग क्या, मुझे मालूम नहीं, पर आप मुझे ये बताइए। प्रेम मार्ग भौतिकता की ओर ले जाता है, श्रेय मार्ग आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तो यत श्रेयम स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, मुझे आप वही बताइए। शिष्यस्ते अहम शादी माम तो हम प्रपन्न, जिस दिन शिष्य के मुँह से निकल जाता है, जिस दिन छात्र के मुँह से निकल जाता है, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, बस ये अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। ये अवसर सबसे महत्वपूर्ण है जब आपके मुँह से निकल जाए कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ, और शिष्य बन करके जैसा आप कहेंगे आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बस शरण का मतलब ये होता है कि फिर पूरी तरह से आपका बताए हुए आपके बताए हुए मार्ग पर चलूँगा। और वो उस बताए हुए मार्ग पर चलने का परिणाम ये हुआ कि अर्जुन ने ध्यान सीखा, अर्जुन ने कर्मयोग सीखा, अर्जुन ने आत्मसंयम सीखा, अर्जुन ने भक्ति योग सीखा, अर्जुन ने ज्ञान योग सीखा, और अंत में लास्ट में वो जाके बोलता है नष्टो हम, मेरे जो जितने भी मेरी जो स्मृति थी वो सारी की सारी पुरानी है मेरे बारे में। हमारी जो स्मृतियाँ ही हैं वही हमें परेशान करती रहती हैं, हम भूल गए कि हम मनुष्य हैं, मानवीय जीवन की गरिमा के अनुरूप जीवन जीना हमको नहीं आता। तो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मेरी स्मृति प्राप्त हो गई, मुझे स्मृति लब्ध्वा, और मैं करिष्ये वचनम तव, मैं आपका जो कहा हुआ वचन वो करूँगा। 18वें अध्याय में समापन में वो सारा का सारा समर्पण पूरा कर देते हैं, और उसके लिए सुनना पड़ता है 18 अध्याय। गीता हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण पुस्तिका है मित्रों, ये कहा जा सकता है कि गीता इस देश में ही कही जा सकती थी, और किसी देश में शायद इसके लिए कोई वातावरण भी नहीं था। गीता इस देश में कही गई, और किसी देश में गीता का उपदेश नहीं हुआ। गीता कही गई या गीता हस्तांतरित हुई, शक्तिपात हुआ, मुझे नहीं मालूम, पर वेद व्यास ने इसको लिखा है। धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से पूछा है कि क्या क्या हो रहा है, तो वो सारा वर्णन लिखा है पूरा का पूरा। उसी वर्णन में वेद व्यास ने जो वर्णन लिखा है उसी वर्णन में संजय सुनाता है कि भगवान का विराट रूप है, मैं तो बड़ा बड़ा भयानक फायर्स रूप देख रहा हूँ, भयानक स्वरूप देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ एक तरफ वो प्यार भी कर रहे हैं, एक तरफ वो खाते भी चले जा रहे हैं सबको, जो उनके मुंह में जा रहा है वो उनको समाते चले जा रहे हैं। मैं भीष्म को भी उनके मुंह में जाते देख रहा हूँ, मैं द्रोण को भी जाते देख रहा हूँ, और जयद्रथ को भी जाते देख रहा हूँ, और मैं कर्ण को भी जाते देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ 11वें अध्याय में विराट रूप है, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसा 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 जो उनका विराट रूप है इसमें वो महाकाल के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। तो कालो अहम लोक क्षय कृत प्रबुद्ध, मैं महाकाल हूँ, मैं लोक का क्षय करने के लिए आया हूँ, ये बोलते हूँ। मित्रों ये इस देश की विशेषता है, ये इस देश की विशेषता है कि कृष्ण मंदे जगत गुरु, हमको भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में मिले, और परमात्मा के रूप में वो अपने सारे वाक्य वचन कहते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ हमें गीता के रूप में मिलता है मित्रों। ये आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, सीखने में भी आनंद आएगा। ये जो विद्या है मित्रों, ये विद्या बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारे संस्कृति के ग्रंथों में एक ग्रंथ है ईशावास्योपनिषद, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो अविद्या की उपासना करते हैं पदार्थ परक विद्या की। दो चीज़ें हैं, अविद्या विद्या। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में घिर जाते हैं, ऋषि कह रहा है, और जो केवल विद्या की चेतना परक विद्या की उपासना करते हैं वे भी अंधकार में फंस जाते हैं। तो फिर क्या सही है? तो कहते हैं विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानो, अविद्याम च अविद्याम च यस्तद एतो एदो वेदो भय सह, इनको साथ साथ पढ़ो। इसका मतलब विज्ञान को भी पढ़ो और अध्यात्म को भी पढ़ो, विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ पढ़ो, और दोनों को साथ साथ पढ़ के जीवन जीने की कला भी सीखो, व्यवहारिक भी बनो, सिद्धांतवादी भी बनो, एकांगी मत बनो। और उन्होंने कहा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा मृद्या मृतमिष्णुते, विद्या से अमृत को प्राप्त होता है आदमी। इसलिए ये विद्या आपको कहीं नहीं सिखाई जाएगी जो हम यहाँ सिखाते हैं आपको, ये विद्या केवल यहीं की देन है, इस भूमि की देन है, गंगा तट की देन है, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की देन है,
उन्होंने ही हमें पढ़ना सिखाया, उन्होंने ही हमें विद्या सिखाई। मित्रों, विद्या और अविद्या दोनों मिलकर के जब एक साथ ली जाती हैं तो दोनों मिलकर के आदमी का कल्याण करती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में दो शब्द हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान, दो शब्द हैं, एक विद्या और एक विज्ञान, दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता वो है जो हमें सिखाती है कि हमें कैसा रहना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। जैसे अभी स्वामी जी महाराज ने बताया कि मूर्खता का आचरण मत करना, कितना बड़ा उपदेश दे गए वो पांच मूर्खता के माध्यम से। तो मूर्खता का आचरण नहीं करना, ये सभ्य व्यक्ति को क्या शोभा देता है? मूर्खता का आचरण नहीं करना। हम निरंतर विनम्रता से रहेंगे और विनम्रता के भाव से जीवन जिएंगे। दूसरा जो उन्होंने कहा कि संस्कृति को भी जीवन में उतारेंगे, संस्कृति हमारे जीवन का एक अंग है। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, ये तीन शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में बराबर मिलते हैं। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत। संस्कृत हमारी भाषा है, देववाणी है, सीखें, कोशिश करें। हमारे यहाँ एक विषय है जिसमें एमए कराया जाता है, परंतु आप उसको सीखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गीता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। संस्कार हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संस्कार हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाते हैं। और संस्कृति जो है वो वास्तव में सही अर्थों में उसका नाम है कल्चर। संस्कृति का नाम है सुगढ़ बनाना। संस्कृति का मतलब होता है अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, सुकृति, श्रेष्ठ कृति। जो आज कृति है उससे हम श्रेष्ठ बन जाएं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आप जितने लोग आए यहाँ पर, आपको हम आज से बेहतर बना देंगे 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर। और ज़्यादा रहेंगे आप हमारे साथ तो हम और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। हमारे यहाँ से पास आउट हुए बच्चे जो प्रतिभाशाली थे मित्रों, आज वो हमारे बीच में अध्यापक बने बैठे हैं और न्यूनतम वेतन पे हमारे बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन, वेतन की कोई चिंता नहीं उनको, उनको संस्कारों की चिंता है। ऐसे अध्यापक आप भी बने ऐसा मैं चाहता हूँ, संस्कृति का उत्थान ऐसा हो। मान लो कमाना हो, कमाओ, मैंने संसाधनों की कमाने के लिए मना नहीं किया। संसाधनों के लिए तो आपको शपथ दिलाइए कि संसाधनों के उपार्जन में हम प्रमाद नहीं करेंगे। संसाधनों को कमाओ, पर कमाने के साथ साथ ध्यान रखो कि आपकी अंतरंग का विकास, आपके अंतर्जगत का विकास हो पा रहा है कि नहीं। अंतर्जगत जब विकसित होने लगता है तो आदमी के अंदर महानता के बीजांकुर आ जाते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जो थे वो तार्किक थे, बौद्धिक थे, जिज्ञासु थे, सब कुछ था, पर जब उनके जीवन में प्रवेश हुआ रामकृष्ण परमहंस का, उनके प्यार का, उनके प्रेम का, उनके करुणा का, उनके संवेदना का, तो देखते देखते नरेंद्र नाथ के जीवन में एक नया जन्म हुआ। और वो जो नया जन्म था उसने परिवार की तरफ भी खींचा नहीं उनको। परिवार में परेशानियाँ थी, बहुत परेशानियाँ थी, पर वो सीधे उनको छोड़ छाड़ के पूरी तरह से अपने गुरु के ऊपर छोड़ करके महाकाली के और रामकृष्ण परमहंस के, माँ शारदा के उपासक बन गए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश की आज के उद्भव में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का रहा है तो स्वामी विवेकानंद का योगदान रहा है। जो पिछले 200-300 साल में जो जिसने विकास किया है उसमें स्वामी विवेकानंद ने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे इस गुलाम भारत के अंदर एक उत्साह जगा दिया और जोश जगा दिया और कह दिया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। बड़े कठिन पाथ है, कठिन मार्ग है, पर तुम चिंता मत करो, तुम चले चलो, चले चलो, चले चलो। मित्रों, ये हमारे देश की विभूतियां हैं। श्री अरविंद हमारे देश की विभूतियां हैं। वो कहते हैं सौरो इज द हैमर ऑफ गॉड। दुख जो है वो हमको हथौड़े से मारता है और हथौड़े से मार मार के हमको अच्छा बनाता है, बढ़िया बनाता है। दुख का स्वागत करो। श्री कृष्ण अपनी बुआ के पास जाते हैं, कुंती के पास। कुंती से पूछते हैं सबने सब कुछ मांग लिया, आपने कुछ नहीं मांगा मुझसे। तो बोले गोविंद तुम एक काम करो, तुम हमें दुख देते रहो। हद होती है, लोग सुख मांगते हैं और आप दुख मांग रही हैं। बोले दुख रहता है तो दुख में तुम याद आते हो, तुम याद आते हो तो तुम चले आते हो, और हम तुम्हें चाहते हैं बस, तो और कुछ नहीं चाहते। मित्र, ऐसा समर्पण होना चाहिए कि दुख भी आए परंतु भगवान के साथ आए, बस भगवान हमारे जीवन में होना चाहिए। ये आध्यात्मिकता आपको यहाँ समझने को मिलेगी विज्ञान के साथ। वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता, ये दोनों का एक विलक्षण समन्वय, संयोग यहाँ कराया जाता है।
मैं सबसे ज़्यादा गुरुदेव से प्रभावित हुआ तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के माध्यम से। फिर मैंने गुरुदेव के साथ मिलकर किताबें भी लिखी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर, और किस तरह से विज्ञान और अध्यात्म को दोनों को मिलाया जा सकता है, दोनों मिलकर के कैसे चल सकते हैं, ये सब मैंने सीखा। मैं चाहता हूँ आप में से भी कुछ लोग सीखें, आप में से भी कुछ लोग लिखना चालू करें, आप में से भी कुछ लोग अपनी कोश को, ज्ञान की कोश को और मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं। केवल अपने कोर्स को पढ़ने के लिए आए हैं वो बात नहीं, अपने कोर्स के अलावा और क्या क्या सीख सकते हैं। आप देखिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ की है, लाइब्रेरी के अलावा यहाँ इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, इतनी सारी सीडीज़ हैं, इतना सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं उनको सीखने की जानने कोशिश करेंगे तो भी आपको 24 घंटे कम पड़ेंगे। आप जितना चाहें उतना सीखने की कोशिश करना, क्योंकि आप युवा हैं, युवा हैं, और युवा वो होता है हमेशा सीखने की इच्छा रखता है, हमेशा उद्दाम, उसके अंदर एक उत्कट आकांक्षा होती है कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। अगर आप ऐसे बन जाएंगे तो मित्रों हमारे देश जो है इन्हीं की वजह इन्हीं लोगों की वजह से महान बना है, चाहे वो विवेकानंद हों, चाहे वो श्री अरविंद हों, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हों, और चाहे वो हमारे देश के जो वीर योद्धा रहे हैं, महाराणा प्रताप रहे हों, कोई भी रहे हों, इनकी वजह से ही आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो एक उदाहरण मैंने दिया था तुमको, आपको, कि हमारे सैनिकों की वजह से हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं। हम निश्चिंत होकर बैठे हैं कि यहाँ तक पाकिस्तान नहीं आ सकता, यहाँ तक आतंकवादी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमको पूरा विश्वास है अपने सैनिकों पर कि वो मर जाएंगे पर हमको बचा लेंगे, वो हमारे लिए अपने आप को होम कर देंगे। तो ऐसा कोई आदर्श आप में से भी किसी को चुनना हो तो आप सैनिकों को चुन सकते हैं। सैनिक ऐसा होता है मित्रों, जो गुरुदेव ने तीन अवतार बताए हैं, संत, सुधारक और शहीद। संत वो जो जिसका आत्म तत्व जो है परमात्म से मिल गया है, सारे सबके अंदर वही दिखाई पड़ता है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमई पश्यति। और सुधारक वो जो समाज सुधार के लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और ऐसे कई महर्षि कर्वे, ऐसे न जाने कितने लोग जो आए, ये सब सुधारक। और शहीद वो जो जिन्होंने अपना सबसे पहले तो ईगो शहीद कर दिया, पहले अपने ईगो को ख़त्म करो। हम बहुत बड़े घर से आए हैं, हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से हमने ट्वेल्थ किया है, और हमने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से हमने बीए किया है, हमने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से बीसीए किया, हम एमसीए करने आए हैं, हम यहाँ पे एनिमेशन पढ़ने आए हैं, ये करने आए, जो भी कुछ करने आए हों आप विद्यार्थी बनो पहले। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। सबसे बड़ी चीज़ है पात्रता, पात्रता, और पात्रता आती है विनय से। पात्र वो होता है जिसमें पानी आता है, छोटा पात्र होगा तो कम पानी आएगा, बड़ा पात्र होगा ज़्यादा पानी आएगा। आप पात्र बनो, सुपात्र बनो, ऐसे सौभाग्यशाली पात्र बनो। जैसे मैं शिवाजी महाराज की कहानी सुनाता हूँ कि उनसे कहा उन्होंने, उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास ने, कि बेटा मुझे आँखों में दर्द होता है, मुझे शेरनी के दूध की जरूरत पड़ती है, शेरनी का दूध तू ही ला के दे सकता है, क्योंकि मेरी आंखों में दूध मैं उसी का डालता हूँ, तू कोशिश करेगा तो आ जाए, ले आएगा। परीक्षा ले रहे थे शिवाजी, गए और पता लगाया कहाँ है शेरनी, तो पता चला गुफा में है, तो गुफा में है, तो गुफा में पहुँच गए, उनसे प्रार्थना की, माँ मेरे गुरु के लिए मुझे आप अपना दूध दे दीजिए। और कोई डरे नहीं, गुरु का साथ है, गुरु का संरक्षण है, तो फिर शादी माम तो हम प्रपन्नम, आप मुझे रक्षा कीजिए, तो वो साथ हैं। तो माया के सिंगनी खड़ी थी वहाँ पे, माया के सिंगनी खड़ी थी, शेरनी खड़ी थी, वो दूध दिया, वो लेके आए और आकर उन्होंने दिया, आपकी आँख ठीक हो जाएंगी गुरुदेव। ऐसे शिष्य हमारे यहाँ रहे हैं जो गुरु के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं मित्रों, ऐसे शिष्य। और कुछ नहीं हुआ, समर्थ गुरु रामदास ने बड़ा आशीर्वाद दिया अपने गुरु को, अपने शिष्य को, और शिष्य जो है अमर हो गए हमेशा के लिए। छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता, सब जानते, पूरा देश हमारा जो स्वतंत्र है आज, उसमें कई लोगों की आज़ादी की वो लगी हैं। पर भारत माता की जय, हम जो बोलते हैं भारत माता के पीछे न जाने कितने लोग हैं, पर उनमें आज के हमारे सैनिक भी हैं, हमारे शिवाजी महाराज भी हैं, हमारे महाराणा प्रताप भी हैं, हमारे विवेकानंद भी हैं, हमारे श्री अरविंद भी हैं, ये सारे लोग, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने पूरी तरह से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी काम किया, और जिन्होंने एक लेखक के रूप में 3200 किताबें लिखी, और वो लिख करके उन्होंने दिमागों को धो दिया, लोगों के दिमागों को अच्छी तरह से वह ब्रेन वॉश कर दिया।
एक प्रकार से थॉट ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति जो हुई है मित्रों पूरे देश में, वो सबसे बड़ी उन्हीं के माध्यम से हुई है। इसलिए हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर स्थान है। गंगा की धारा यहाँ बहती थी कभी कभी, यहाँ विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था जो आज पीछे की तरफ चला गया है, और विश्वामित्र के उस आश्रम के नीचे से जो गंगा बहती थी, अभी भी नीचे से खुदाई होती है तो बड़े गंगा के बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं गंगा के बेड में पाए जाने वाले। इतना बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं मिलेगा मित्रों। आप लोग ने चयन किया कि हम शांतिकुंज जाएंगे, हम जाएंगे ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे, हम वहाँ रहेंगे। हमने नहीं बुलाया आपको, हमने तो केवल आमंत्रण छापा, आप पढ़कर आए। जब पढ़कर आए हो आप, तो फिर आप यहाँ रह करके यहाँ के जैसे बन के देखो, बी एंड मेक, बनो और बनाओ, खुद बनो दूसरों को भी बनाओ, और ऐसा बनाओ कि बस देखते देखते आदमी बदलता चला जाए, तुम भी बदलते चले जाओ, तुम्हारे माता पिता तुमको देख के कहें कि बेटा हमने तो भेजा था पर हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बदल जाओगे। बेटा आज के बाद तुमको अपने घर की याद आएगी, पर तुम परेशान मत होना, तुम्हारा घर तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा विश्वविद्यालय है, ये तुम्हारा घर है, इसी को अपना विश्वविद्यालय घर मानते हुए तुम यहीं रहना। अपने आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूप से ही रखना। एक सीरियल आया था महाभारत, आप लोगों ने देखा होगा छोटेपन में, कहीं देखा होगा, नहीं देखा हो तो उसके बारे में सुना होगा। बीआर चोपड़ा ने बनाया था, बीआर चोपड़ा ने इसके संवाद लिखवाए थे एक मुस्लिम भाई से, राही मासूम रजा, जो कि हिंदी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये कहा है कि मेरे तीन गुरु हैं, मैं तीन माँ को मानता हूँ, तीन माँ है मेरी। एक माँ तो मेरी अपनी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उसको मैं हमेशा जन जन जन्म भर उसका कभी ऋण नहीं चुका सकता। दूसरी माँ है मेरी गंगा माँ, जिस गंगा माँ के किनारे मैंने रहकर पानी पी करके, और जिस गंगा माँ के साथ रह करके मैंने सानिध्य में पवित्रता पाई। और तीसरी माँ है मेरी यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, और मैं यूनिवर्सिटी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाऊँगा। ये जैसे विश्वविद्यालय मेरी माँ है और विश्वविद्यालय के लिए मैं अपने जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये संकल्प आपके मन में उठ के खड़ा होता है तो मैं समझूँगा कि आपका यहाँ दीक्षा लेना, यहाँ आना और यहाँ हम सबके बीच में रहना एक सुयोग संयोग ऐसा बन गया, बड़ा विलक्षण संयोग बन गया। हम आपको निरंतर पोषित करते रहेंगे, बराबर समझाते रहेंगे, बराबर बताते रहेंगे, पर हम डांटेंगे नहीं, हम प्यार से कहेंगे, जो भी कहेंगे प्यार से कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारी बेटियां हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं। आप ट्राई टू कल्टिवेट योर कल्चर अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, दिस इज यूनिक यूनिवर्सिटी। इसके कुलाधिपति होने के नाते, बींग ए चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आई फील सो, मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तव में सही अर्थों में मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा किया है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। परम श्रद्धेय के इन आशीर्वचनों में वह मार्गदर्शन हमें मिला जो हमारे जीवन को रूपांतरण करने और इसको नई वीमा तक पहुंचाने का एक बड़ा विशेष माध्यम बनेगा। अगला क्रम है प्रतीक चिन्ह वितरण का। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पधारे समस्त विद्यार्थियों के कुछ प्रतीक रूप में यहाँ पर विद्यार्थी सम्मुख में मंच पर पधारेंगे और परम श्रद्धेय हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से उनको प्रतीक चिन्ह धारण कराया जाएगा। इस भाव के साथ कि इस देव संस्कृति की जो परंपरा है, इसकी जो मर्यादा है, उसके अनुरूप हमारा जीवन ढले, एक श्रेय सौभाग्य सुअवसर हमारे जीवन में आया है, अनुभव करने की आवश्यकता है, और जिसने उसे अनुभव कर लिया उसका जीवन रूपांतरित हो गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन आगे बढ़ गया। तो आइए इन क्षणों में हम सब अपने अंदर उस जागरूकता को लाएँ, उस होश को लाएँ और इस बात का सदैव भान रहे हमें कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंग हैं और इससे बेहतर श्रेय और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। देव संस्कृति के उस गौरव पर हमें नाज है। एक समय था जब राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन के लिए विश्वविद्यालय से गढ़े हुए युवा बाहर निकले थे, तो परम श्रद्धेय के मार्गदर्शन में आज युग ऋषि की उस चेतना को लेकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय से वो क्रांति दूत निकल रहे हैं जो जब इंटर्नशिप में क्षेत्रों में जाते हैं तब उनका व्यक्तित्व देखकर लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो।
जब वो कहीं कोई स्थापना करते हैं तो उनके कार्य करने की शैली को देख करके लोग कहते हैं कहाँ से आए हो, तब वो विद्यार्थी गर्व से कहता है कि मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय से आया हूँ। हम सब के लिए अवसर है कि हम तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आ गए, लेकिन देव संस्कृत विश्वविद्यालय हम में आना चाहता है, हमारे अंदर, हमारे आचरण में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में। तो आइए उसको अवसर दें, एक बार जोरदार तालियों से एक बार पुनः से स्वागत। अगला क्रम है जब यहाँ पर विमोचन किए जाएंगे कुछ। सबसे पहले ई न्यूज़लेटर रनौसा का विमोचन यहाँ पर हमारे परम श्रद्धे और अतिथियों के माध्यम से किया जा रहा है। ये ई न्यूज़लेटर है रनौसा, इसका नया अंक हम सबके सामने आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इसका अभिनंदन करें हम सब। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की उपलब्धियां व समाचार पहुंचते हैं रनौसा। अगला विमोचन है DSIIJ देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल के नए वॉल्यूम का विमोचन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शोध का एक नया स्वरूप जो उभर करके आ रहा है, इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धे से कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। आज के इस शुभ अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय अपने परिवार का अनन्य आत्मीय सदस्य आपको मानते हुए परम श्रद्धे के कर कमलों से यह स्मृति चिन्ह युग ऋषि का साहित्य आपको समर्पित कर रहा है, वह साथ ही साथ एक विशेष पेंटिंग गायत्री मंत्र की जो अजय कुशवाहा ने बनाई है, वो सामने खड़े हैं वहाँ पे खिड़की के पास। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और अभी एक पूर्ण समयदानी के रूप में कार्य कर रहे हैं। भावनाओं से बनाई हुई ये पेंटिंग परम श्रद्धे के कर कमलों के माध्यम से अर्पित है हमारे परमादरणीय स्वामी जी को। आइए इस माध्यम से इस अजय, यहाँ पर अजय कुशवाहा, इनके बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसा शख्स है जिसने कई गांवों में जाकर के दीवार लेखन का कार्य किया है। मौन क्रांति करने के पुरोधा देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कैसे उपजते हैं, युग ऋषि के विचारों से प्रेरित होकर, परम श्रद्धे के कक्षाओं से प्रेरित होकर इस शख्स के अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि इसने कई गांवों में जाकर के दीवार लेखन का कार्य किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके सत प्रयासों के लिए। आइए शांति पाठ के माध्यम से इस क्रम की प्रेरणाओं को लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ज्ञान दीक्षा का ये 31वां अंक यहाँ पर संपन्न होता है। आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थानों पर अभी बने रहेंगे। हमारे मध्य से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमद् सद्गुरु जी पधार रहे हैं, यहाँ से परम श्रद्धे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिनंदन, जिनके जीवन का हर क्षण हर पल बड़ा कीमती है। विद्यार्थी अभी अपने स्थान पर बने रहें। मैं विशेष रूप से ब्राह्मी देवी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वो आई हमारे बीच में, वो हमारी बच्चियों से मिलें, उनसे बातचीत करें तो बहुत अच्छा लगे। मैं आपके बारे में बोलना चाहता था परंतु मैं फ्लो में नहीं बोल पाया, आप आई बहुत अच्छा लगा हमें। अभी हमारे परम श्रद्धे और हमारे अतिथि यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।